मैं थोड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ये सर, सारी चीजें सर मेरे अगेंस्ट जा रही, जबकि मैंने एफआईआर करके रखी है। करोड़ों का मैटर है सर। आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? इसलिए क्योंकि चार बार यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स दिया। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं, ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना जाए। इसने सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारा केस इनके सामने नहीं लगाया जाए, तो हाईकोर्ट जहाँ लगाएगा वहाँ वहाँ बहस करनी पड़ेगी, आपको एफआईआर पूरा करना पड़ेगा सब कंप्लीट। हाँ हाँ, उसी से तो पता लगेगा आपकी शिकायत क्या है। तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पास इसी एफआईआर को रोकने के लिए। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता कि क्या होता है। कोर्ट आपने एलएलबी किए सर? ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर, दो साल। हु इज रिस्पांसिबल सर? सर पे वार किया था और मैंने उसको अपने हाथ से रोक लिया, और अगर मेरे हाथ पे नहीं आता तो मैं सब चोट जाती और आज आपके सामने मैं खड़ा भी नहीं होता। एक हथौड़ा मार मर गया। अब ये बोल सके अपन गिनती करें कि 1 2 3 4, अरे अभी तक मारा नहीं है। नहीं, आप प्राइवेट वकील एंगेज कर लीजिए। नहीं सर, मेरे को सर सारे लिस्ट और डॉक्यूमेंट 250 से 300 पन्ने के मैंने खुद ने ही सब यहाँ पे लगाए हैं, उसमें 23 साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सब मैंने ही पढ़ के समझ के सब लगाए हैं सर। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा जानकारी थी। एडवोकेट ने साफ बोल रहा जब सारे प्रिपरेशन तुमने ही करे तुम ही खड़े हो जाओ, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा सर। ये इतना बड़ा मेल क्या किया आपने? हाँ सर, बहुत लंबा क्या मेल, क्या क्यों किया आपने? अब सर वो इसलिए कि सर सब बहुत सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही थी, जबकि लीगल प्रोविजंस थे उसके बाद भी सर। मैंने बहुत मतलब लंबा चौड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ये सर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट का डबल लिंक मैटर है सर। सारी चीज़ें सर मेरे अगेंस्ट जा रही, जबकि मैंने एफआईआर करके रखी है, सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बाद भी। अब मैं पेटिशनर हूँ सर, सबसे ज़्यादा प्रभावित तो मैं खुद ही हो रहा हूँ। करोड़ों का मैटर है सर, और उसके बाद भी कुछ भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना ट्रायल कोर्ट से ना सेशन कोर्ट से। और ये मैटर ऐसा ऐसा इसमें केवल बेल कैंसिलेशन और धारा बढ़ाने का मैटर है, उसके बाद भी 1.5 साल लग गए इसी इंदौर हाईकोर्ट में। एफआईआर को 2 साल से ऊपर हो गए। मेरा आरोपी सीनियर सिटीजन है, कल से खत्म हो गया तो मेरा केस किस पर्पज के लिए दिया है आपने? सर वही नॉट गोई फोर के पर्पज के लिए दिया था, मैंने नॉट गोई फोर लगाया था पर वो स्वीकार ही नहीं हुआ था। वो बाकी जितनी भी मैंने सर प्रोसीडिंग्स देखी सब मेरे अगेंस्ट जा रही थी, इवन वो कोर्ट के द्वारा ही हो रहा था सब कुछ। व्हाई आई शुड नॉट हियर दिस मैटर, व्हाई आई शुड नॉट सर? आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? अब सर नॉट गोई फोर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि चार बार यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स दिया। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं, ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना जाए। सर कंटेम्प्ट, ये तो प्रावधान तो है नॉट गोई फोर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गोई फोर बाय एडवोकेट जो भी हो, वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और मैं तो सर आपके पास गया भी था, आपके पास में आए भी सर नॉट गोई फोर, मेरे को यही बताया गया था अगर कोई नॉट गोई फोर का आपको मतलब ऑर्डर चाहिए तो जिस दिन आपकी केस की तारीख होती है तो फिर आप जज साहब के सामने नॉट गोई फोर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सलाह दी आपको ये, किसने सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारा केस इनके सामने नहीं लगाया जाए? सर वो मैंने तो नॉट गोई फोर का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद फिर मेल के ऊपर आया मैं। एप्लीकेशन आपकी वो लाइए नंबर? हाँ सर, 26 अप्रैल की डेट में था सर वो, मैं तो प्रिंसिपल स्टाफ साहब से मिला भी था मैं तो। 26 अप्रैल मैं सर मैं जबलपुर हाईकोर्ट भी गया था, वहाँ पे हेमंत जोशी सर जो प्रिंसिपल स्टाफ जुडिशियल है उनसे भी मेरी मुलाकात हुई पर्सनली। सर मैं सारे प्रोसेस को फॉलो किए, वो सारे के सारे जितनी भी गतिविधियाँ थी उसी का मैंने उल्लेख करा। अब उसके बाद भी पेटिशनर एप्लीकेशन विथड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो फिर देन आई विल हैव टू ड्रॉ कंटेंप्ट। ये जो मेल आपने भेजा है, हाँ सर, इसमें आप हाई कोर्ट जज को सीजीएम लिख रहे हैं? नहीं, व्हाट इज ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है सर, जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन एक्सेप्ट नोटिस ऑफ कंटेंप्ट। सर अगर इसमें नॉट गोई फोर आ जाए तो ठीक है सर, अगर नॉट गोई फोर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, या आपकी इच्छा में नहीं, जो हाईकोर्ट जहाँ लगाएगा वहाँ वहाँ बहस करनी पड़ेगी आपको। तो सर फिर नॉट गोई फोर फिर अपन पटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट गोई फोर बाय एडवोकेट? वो हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विद यू। सर आप देख लीजिए, हमारा वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना तो वो उसमें लिखा था कि नॉट गोई फोर। हाँ तो यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। सर मैंने कई बार देखा नॉट गोई फोर तो एडवोकेट, इसलिए आपको बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है, इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। तो सर मैंने तो ये सब जो अननेसेसरी जो मेल भेज रहे हैं ना आप, दिस इज कंटेम्पचुअस। सर कंटेम्पचुअस तो सर मैंने सारी गतिविधियां लिखी है, कितना लंबा मैं जुडिशियल करप्शन देख रहा हूं। देन एक्सेप्ट नोटिस इफ यू आर स्टिल प्रेसिंग योर ईमेल। तो सर एक काम करिए, आप फिर पिटीशन पे डिसमिस कर दीजिए, फिर वो मेल का जो भी होगा फिर उसके बाद फिर जेसी भी वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर आपके ऊपर है सर। हम तो सर एक लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं सर,
एक पेटिशनर मेरिट पे बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो सर मैं मेरिट पे हमेशा बहस ही करता हूँ, मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे, 23 जज साइटेशंस मैंने लगाए सर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट्स के सारे, मैं तो मेरिट पे चढ़ा हूं। पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगा। नहीं सर, 4 बार लग चुका है, 1 फरवरी, 5 अप्रैल, 10 मई, मेरे को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए। हाँ, उसमें आपके कितनी बार हमारे यहाँ लगा है? 4 बार लग चुका है सर आपके। और फिर मई के बाद समर वेकेशन के बाद पीसी गुप्ता सर के यहाँ लगा, और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आ गए। 4 बार आपके लग चुका है, मेरे को तारीख भी याद। आप मेल अपनी प्रेस कर रहे हैं तो देन आई विल इशू नोटिस, अदरवाइज सर एक मेरिट पे बहस करिए। मैं तो मेरिट पे बहस करना चाहता हूँ ना सर। स्टेटमेंट दीजिए कि यू वांट टू विथड्रॉ दैट। तो सर, अच्छा, मेल को विथड्रॉ करने का? हाँ ठीक है सर, मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, मैं मेल को विथड्रॉ कर रहा हूँ। लिखना सबमिट है कि सेंड अ मेल विच ही प्रेस फॉर विथड्रॉल एंड आर यू ऑन मेरिट। हाँ सर, 2 MCRC है, 21745, 21745। आप लोग सब पार्टी रिप्रेजेंटेड हैं? यस सर, सबसे पहले MCR से 21745 सर, 2 करोड़ का लैंड फ्रॉड है, उसकी FIR दर्ज की गई थी माधवनगर थाने में, और केवल धारा लगाई गई ओनली 420, जबकि 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पे क्राइम हुआ था। वो 5 कूट रचित दस्तावेज ये हैं, फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी क्षतिपूर्ति लेख और नकली वसीयतना। तो इन 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर भी 467, 468, 471 की धारा नहीं लगाई गई। और फिर 2 करोड़ की सर फ्रॉड पर ट्रायल कोर्ट से इमीडिएटली बेल भी दे दी गई हमने, जबकि बेल पे आपत्ति दर्ज की थी। फिर हम ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, वहाँ पे हमने फिर बेल कैंसिलेशन और साथ में फिर धारा बढ़ाना और महिला को भी सह आरोपी बनाना। 2 करोड़ के फ्रॉड में महिला भी उसमें समान रूप से भागीदार है, महिला तक को आरोपी नहीं बनाएंगे। तो सर इसी रिक्वायरमेंट के साथ हमने ये MCRC 482 के अंदर फाइल कर लिया। तो सर 482 में सर ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, रिमूवल, एडिशन ऑफ चार्जेस अलॉन्ग विद बेल क्लेंसेशन, वो सब परमिसिबल है। तो सर यही हमारी वैधानिक रिक्वायरमेंट है। ये कंप्लेंट कैसे की? FIR सर, FIR है सर, डायरेक्ट FIR लॉज की थी। पेज 1 मिनट सर, नोट ऑन 36/2023 दे फाइल्ड अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ चार्जशीट की कॉपी पेश की, पेज 16 ऑफ देयर। उनको डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं किया था? हां डॉक्यूमेंट हमको कोई सप्लाई नहीं किया, हमको केवल क्लियर कॉपी चार्जशीट विल आर्ग्यू फ्रॉम, केवल पिटीशन का नोटिस हुआ। सर चार्जशीट के लिए सर रिकॉर्ड्स के लिए कॉलिंग हुआ था पिछले साल ही सत्यन कुमार सर के, सत्यन सिंह सर के समय, और मेरे सामने ही ये पुलिस थाने से रिकॉर्ड्स हाईकोर्ट में आए थे, फिर वो रिकॉर्ड्स मिस हो गए, तो मैंने फिर दोबारा चार्जशीट को प्रस्तुत किया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ जून के महीने में। पढ़िए इसको, FIR पढ़िए। यस सर, पूरा पढ़ना पड़ेगा सर? कंप्लीट? हाँ, उसी से तो पता लगेगा आपकी शिकायत क्या है। तो सर फॉल्स एफिडेविट्स, अगर वसीयतनामे सर, एक और चीज, एक लॉजिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज तक कभी भी इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये वसीयतनामा तो ऐसे ही कूटरचित सिद्ध हो गया, हमको हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं। एक तरफ वो अपने आप को इकलौता सगाई बता रहे हैं फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से, दूसरी तरफ वसीयतनामा बता दिया। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता पड़ी। अगर कोई माता पिता की इकलौती संतान, सिविल सूट भी चल रहा है इसमें? नहीं सर। तो जो म्यूटेशन हुआ है, जो नाम इनका चढ़ा, उसके खिलाफ कोई अपील की है? नहीं सर, नहीं की। सर हम लोगों को किसी भी वारिस ने नहीं की? हाँ सर, किसी भी वारिस जितने नाम आप ले रहे हैं उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं किया? नहीं किया सर, केवल आप ही को आपत्ति है बस। हाँ सर, उनको जानकारी भी नहीं थी, और जब मिली होगी जानकारी, इतना सब आप, हाँ तो वो सब उनके साथ मिले हुए ना सर, अब सब इकट्ठे हुए। हाँ सर, तभी तो मैंने अकेले ने FIR कराई है सर। अच्छा, ये बाकी लोग कौन है? सुभाष, शैलेंद्र, योगेंद्र सर, ये भी इनके भाई है, सगे भाई है। और सर क्या मिला इसमें इनको? सर मैं आपको बताऊँ, ये इन्होंने ही मिल करके मेरे पे जानलेवा हमला किया ताकि इसके ऊपर FIR ना हो, ये सब मिले हुए इनके साथ ही, तभी तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पर इसी FIR को रोकने के लिए। आजीवन कारावास के FIR को रोकने के लिए जानलेवा हमला करने के कारण सर ये 307 क्लॉज 2 वाला मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट वाला 307। तो सर ये वाला मैटर है सर, सब लोग मिल गए ना, तभी तो मेरे पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसलिए सर दोनों हमने NCRC को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आवेदक भी एक है, अपराधी भी एक है, और थाना भी एक है।
हम बस ये चाहते, जो टोडरमल थे आपके चाचा जी थे? हाँ स्वर्गीय चाचा दोनों, उनके कोई बच्चे शादी नहीं, नहीं की थी उन्होंने? नहीं बताऊंगी चाचा। और ये शैलेंद्र आपका भाई है? नहीं उनका भाई है, मृतक मृतक जो चाचा है उनके भाई है। वो भी आपके चाचा ही हुए? हाँ वही मेरे चाचा ही हुए। ये भी टोडरमल के भाई के लड़के हैं, राजेंद्र के लड़के। हाँ समझ गया, ठीक है, वो भाई है इनके 64 साल के। तो सर चार कागज के आधार पे इनके टोटल बन के कुल कितने भाई हैं? पांच भाई है सर, और पांचों जीवित एक ही घर में रहते हैं सर। अच्छा, तो इन्होंने विल की कॉपी कहाँ? विल की कॉपी लगी है सर। लगाई आपने? ये चार्जशीट में लगी है सर, बता दूं पेज नंबर लगी 56 नंबर पेज है सर। सर वसीयतनामा नकली होने के नाते मैंने कुल मिला के 19 कारणों वाला भी एक दस्तावेज संलग्न किया है सर। ये रजिस्टर्ड है? नोटराइज्ड? नोटराइज्ड है सर। और सर द विटनेसेस एंड द नोटरी दे हैव बीन एग्जामिन्ड हैं? व्हाट द विटनेसेस? ट्रायल का क्या स्टेज है? ट्रायल का क्या स्टेज है सर? अभी तो चार्ज नहीं लगे सर। चार्ज के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था ट्रायल कोर्ट में, तो वहां भी निरस्त हो गया था। फिर हम सेशन कोर्ट में गए थे, बेल कैंसिलेशन और चार्ज तो लग गए होंगे ना? नहीं सर, हमने एप्लीकेशन दी थी पर वो वहाँ पे उसको स्वीकार नहीं किया, निरस्त हो गया। फिर हम सेशन कोर्ट में गए अगेन सेम कि हमको चार्ज भी लगाना है। ऑर्डर इंप्लीमेंट ऑर्डर का पेज नंबर इंटरनल पेज नंबर 15 इंटरनल पेज नंबर 4 फर्स्ट पैराग्राफ देखो। हां चार्ज विच इज नहीं दे फाइल एन एप्लीकेशन देयर कि वो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, प्रोसिक्यूशन से बुलाया जाए। ये तो अभी इसमें लिखा आरोप तर्क हेतु, तो अभी आरोप लगेगा सर? पर वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता कि क्या होता है कोर्ट। आपने एलएलबी की है सर? 482 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस में किसी का काम है वो हाई कोर्ट करे यहाँ चार्ज लगाने का। सर 482 में प्रावधान है सर इनहेरेंट पावर्स ऑफ और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस, और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है जिसमें 482 में ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ। पहले चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहां पे सर ऑलरेडी है मेरे पास ये। यू हैव वेस्टेड एनफ टाइम ऑफ दिस। नहीं सर, ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल। हु इज रिस्पांसिबल सर? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है। नॉट कॉल्ड यू? ना ना सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि ब्रीफ फैक्ट्स फैक्चुअल मैट्रिक्स और मेरिट्स के को कंसीडर किए बिना ऑर्डर अपन ना जारी करे तो ठीक है सर। ये है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूं। दे दीजिए लाइक पेज नंबर 2 और पैरा नंबर 10। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है तो फैक्चुअल मैट्रिक्स ब्रीफ फैक्ट्स और मेरिट्स को तो कंसीडर करना पड़ेगा सर, जो भी केस जिस भी कोर्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ कहना सर? ये और साथ में कैंसिलेशन ऑफ बेल और महिला को भी आरोपी बनाना। और सर अगर वापस वहां जाएंगे तो फिर वो मेरे को ट्रायल कोर्ट के जज ने ये बोला था क्योंकि आपका मामला सेशन कोर्ट तक से निरस्त हो चुका है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे हमें जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए डोर्स क्लोज हो चुके हैं वहाँ पे फॉर एवर, इसलिए फिर हम हाई कोर्ट 482 में। चलिए क्या कहना सर? पहली बात तो चार्ज लगाने दैट इज एविडेंट। सेकंड दे आर सेइंग फॉर बिल कैंसिलेशन, देयर इज नो एप्लीकेशन फॉर बिल कैंसिलेशन। 4392 के लिए तो हमने कहा था ऑर्डर में कि अगर आपको आपत्ति है बेल जो ग्रांट के लिए व्हेन नो इन 4392 That also that has not been moved. And they have come, look, जो बेल के एप्लीकेशन थी उसमें आपत्ति जो लगाई थी उसकी रिविजन करी है और उस रिविजन के आधार पर यहाँ पर बन गया। You are appearing in 18. Yes. 21745. आप 47 में? 747. ये 747 लगाइए 307 ऐड करने के लिए। हाँ 307 प्लस 2 326. उसमें भी चार्ज नहीं लगे भी सब, उसमें तो हो चुके हैं वहाँ पे भी चार्ज। वहाँ पे अभियोजन के द्वारा दो बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में चार्ज को बढ़ाने का एप्लीकेशन दिया गया और दोनों बार निरस्त हो गया और उसी के आधार पर हम यहाँ हैं। उसमें भी सर हमने बेल कैंसिलेशन अलॉन्ग विद 307 क्लॉज वाला हो गया 21745 इसको क्लोज करने। इसमें बताइए सर कौन सा ऑर्डर चैलेंज किया? सर इसमें ना 325 तक की धारा लगाई गई थी, फिर दो बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में अभियोजन के द्वारा 307 और 326 की धारा बढ़ाने का आवेदन दिया गया और पूरा मेरिट्स के ऊपर ही सर। मैं उसमें मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा आ रहा है हार्ड ब्लंट एंड हार्ड वेपन जो कि डेडली है और सेशन कोर्ट ने ब्लंट एंड हार्ड वेपन को पूरा मेडिकल एविडेंस को पूरा दरकिनार कर दिया और अपने मन से हॉलो पाइप, मतलब जैसे लगता है जैसे मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा गया जबकि फ्रैक्चर आ चुका था मेरे को। अब प्लास्टिक के मटेरियल से कोई फ्रैक्चर थोड़ी आता है,
तो सर वहाँ पे पूरा मेरिट्स को मेडिकल एविडेंस तक को पूरा टोटली इग्नोर किया गया, और मेडिकल एविडेंस ब्लंट एंड हार्ड वेपन का जो उसमें उल्लेख है उसी के आधार पर ये अभियोजन ने दो बार ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया। टोटली है सर ऑन द मेरिट्स ओनली, सर पे लोहे के डंडे से वार किया गया, मैं अपना हाथ बीच में लिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, अगर हाथ नहीं लाता तो सर फ्रैक्चर हो जाता, तो मैं वहीं ऑन द स्पॉट में ख़त्म हो जाता। तो सर हमने एसपी ऑफिस में भी दिया 3 साल की धारा बढ़ाने के लिए, वहाँ से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और सर इसके सपोर्ट में मैंने 23 जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के, वो सब मैंने अटैच किए। और सर मेरे जैसे मामले में सन 2019 में जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह सर थे उन्होंने 3 साल की धारा बढ़ा दी थी, सेम मामला मेरा भी है। तो सर मैं भी चाहता हूँ कि जब इंदौर हाईकोर्ट में वीरेंद्र सिंह सर के द्वारा सेम मेरे मामले 3 साल की धारा बढ़ाई गई थी, तो आज वही 3 साल धारा मेरे मैटर में बढ़ जाए और ये 3 साल क्लॉज 2 का मामला बन गया डेथ पनिशमेंट, क्योंकि आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की FIR है उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। यस, क्या कहना जैन सर? लॉर्डशिप, जो इंप्लीमेंट ऑर्डर है उसका पैराग्राफ 10 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो रिविजन कोर्ट से पाएंगे। इस प्रकरण में जो तथ्य और परिस्थिति आई है उनसे स्पष्ट है कि 4 अभियुक्त ने फरियादी के साथ घटना के समय स्थान दिनांक को मारपीट की, उस समय फरियादी अकेला था। फरियादी के अनुसार जब योगेंद्र ने उस पर सिर पर रॉड से मारा तो उसने अपने दाहिने हाथ से रोका, सभी ने उसको महाबहन की गालियां दी और उसके साथ मारपीट करने लगे। अतः स्वयं फरियादी के अनुसार कथित रॉड के प्रहार के बाद उसके साथ मारपीट की गई, किंतु सुगेंद्र ने न तो दोबारा उस रॉड से प्रहार किया, न अन्य किसी अभियुक्त ने उसे गंभीर उपाधिकारित करने का या किसी घातक आयुक्त से उपाधिकारित करने का प्रयास किया, जबकि उनके पास पर्याप्त अवसर समय था। सभी अकेले थे, यदि किसी को जान से मारना होता रॉड से एक मारी तो 5-7 भी मार सकते थे। और इस ये सारी एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी एप्लीकेशन खारिज की और रिविजन कोर्ट ने भी खारिज की है। तो मेरा माननीय से विनती है कि ये जो 482 में रेयर एंड रेयर केस में पावर इनहेरेंट पावर का उपयोग होना चाहिए, ऐसी फाइंडिंग में उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल परिवार के संपत्ति का कोई विवाद है और उनको ये प्रेशराइज करना चाहता है केवल। लॉर्डशिप सर मैंने सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट हो गया बेस्ट, लेट हिम कंप्लीट सर। और इस पे इसके बाद दिखा है लॉर्डशिप उपाधिकारित करने किसी घातक आयुक्त से उपाधिकारित करने का प्रयास किया जबकि उनके पास पर्याप्त समय अवसर था। उपरोक्त तथ्यों प्रकाश के तथ्य के प्रकाश में इस प्रकरण पर यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया निकाला जाना उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण का आशय फरियादी की हत्या करना है, उसे प्राण घातक उपाधिकारित करना था या अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य प्रकट नहीं होता है। और लॉर्डशिप इस प्रकार से धारा 307 का जो ये इजाफा चाहते थे उसमें उसके लिए प्रेयर ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की और रिविजन कोर्ट ने भी रिजेक्ट की। तो इन परिस्थितियों में जब ये खुद ही कह रहे हैं कि एक से ज्यादा उन्होंने मारा ही नहीं है तो फिर इंटेंशन कहां से मारने का होगा? लॉर्डशिप वो 4 लोग थे और ये अकेले थे। लॉर्डशिप इससे भी इनका केस मैनिपुलेटेड लगता है लॉर्डशिप। और ये जो फ्रैक्चर की स्थिति है लॉर्डशिप ये एविडेंस से एस्टेब्लिश होगा लॉर्डशिप की उंगली और वो भी उंगली में लॉर्डशिप। और इस प्रकार लॉर्डशिप पैराग्राफ 12 में भी इसको डिटेल से डिस्कशन किया लॉर्डशिप। और चूंकि ट्रायल कोर्ट ने 216 की अर्जी शासन की खारिज करी है, रिविजन उनकी खारिज की है, तो ऐसी स्थिति में इनको ये 482 को पावर एक्सरसाइज कराने का ये एप्लीकेशन देने का अधिकार नहीं लॉर्डशिप मेंटेनेबल नहीं। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में जहां ग्रॉस इनजस्टिस हुआ लॉर्डशिप, रिकॉर्ड के विपरीत कोई काम हुआ लॉर्डशिप, वाइटल आर्गन पे इंजुरी नहीं है लॉर्डशिप, वो पारिवारिक मामला है, 4-4 लोग हैं, वो सब चाचा है इनके लॉर्डशिप, तो ये सारी परिस्थिति है, केवल उनको हिरास करना चाहता है लॉर्डशिप अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति प्राप्त करने के दबाव बनाने। An application under section 216 has been filed by the prosecution, which is annex P3. P3. Yes, yeah. On the ground that the injury is caused by the hardened blunt object with the steel rod, although the injury was sustained on the fracture was sustained on the head hand models. Kalai ki haddi par fracture ho gaya. You are supporting him. Yes, Manoj. That application was further taken up to revisional court, Manoj, which was dismissed on 13/4/22. Against that dismissal, Manoj, we have not preferred any. You have not preferred. कहना कि भविष्य में वो जान से खत्म कर रही है, उस समय जान से मारने की नियत से नहीं मारा सर, जान से मारने की तभी तो मेरा वाइटल आर्गन पे तो मारा
वो मैंने पुलिस को बोला भी था कि जान से मारने की मंशा, तो उन्होंने नहीं लिखा। और ये आवश्यक नहीं है कि हर बार एफआईआर में पुलिस के द्वारा ये उसका उल्लेख किया जाए। घटना से लॉजिकली प्रूव हो रहा है सर पे वार किया था, और सर सबसे वाइटल ऑर्गन होता है पूरे बॉडी का, और मैंने उसको अपने हाथ से रोक लिया। और अगर मेरे हाथ पे नहीं आता तो मैं सर पे चोट हो जाती, और आज आपके सामने मैं खड़ा भी नहीं होता। सर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से सिंगल ब्लो मर्डर, सिंगल ब्लो में तो मर जाता है इंसान, लाखों लोग तो मर चुके हैं, एक हथौड़ा मार रहा मर गया। अब ये कौन सा कि अपन गिनती करें कि 1, 2, 3, 4, अरे अभी तक मरा नहीं है। सर ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, और इलॉजिकली सर, और सबसे बड़ी बात सर, मेडिकल एविडेंस को कोई कोई भी दरकिनार कैसे कर सकते, जबकि हार्ड एंड ब्लंट वेपन का उल्लेख हो, ब्लंट एंड हार्ड इज अ डेडली वेपन। तो डेडली वेपन से मेरे पे वार हुआ, वो भी पुलिस के सामने, कितना साहस है सर कि पुलिस के सामने मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस कांस्टेबल के बयान, हाँ कांस्टेबल के बयान में मतलब सब चार्जशीट। क्या नाम है कांस्टेबल का? राजेंद्र नाम है, कांस्टेबल राजेंद्र, सरनेम याद। इसकी डायरी दे देना, इसकी भी डायरी दे देना, ठीक है।